पौड़ी के दाड़ोधार भिताई मोटर मार्ग के खस्ताहाल होने पर ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग का घेराव किया और सड़क में डांबरीकरण जल्द न होने पर लोक सभा चुनाव बहिष्कार करने का ऐलान किया है। ग्रामीणों का कहना है कि बीते 10 सालों से सड़क का डांबरीकरण न होने से सड़क खस्ताहाल हो चुकी है और जिससे आवाजाही करना सड़क हादसे के खतरे को भी बढ़ा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जल्द सड़क डांबरीकरण ना किया गया तो ग्रामीण प्रदर्शन को भी मजबूर होंगे। वह लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता DC नौटियाल ने बताया कि सड़क का निर्माण 15 साल पूर्व जिला योजना से किया गया था, लेकिन अब सड़क खस्ताहाल है। ऐसे में सड़क की DPR शासन को एक हफ्ते में भेज देंगे, जिसके बाद बजट मिलते ही सड़क डांबरीकरण का कार्य पूरा किया जाएगा। और सभी ने मांग की कि हमारी रोड ठीक होनी चाहिए। हमारी रोड का बहुत बुरा हाल है सर, 8-10 साल 10-15 साल हो गए तब से ख़राब है। और हम चाहते हैं कि सर ने बताया कि SN साहब ने कहा कि हो जाएगी रोड, हम तब तक सर समय लेते हैं, नहीं तो हम तब बाद में आक्रोश में आएंगे सारे ग्रामों से। नाम शोभा देवी है सर, अब मैं हम रोड के चक्कर में आ रहे हैं सर। अब हमारी रोड इतने साल हो गए बनी नहीं, अभी हम ऑफिस PW ऑफिस पहुंच रहे हैं और 15 दिन का आश्वासन दे रखा है, 15 दिन बाद में होगी, हम धरना प्रदर्शन करेंगे वहाँ भी ऑफिस में, नहीं होगा तो DM कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। ये बिताई रोड लगभग 15-16 साल पूर्व निर्मित है और इसका डांबरीकरण 15-16 साल पहले होना बताया गया था जिला योजना के माध्यम से। वर्तमान में सड़क की सतह काफ़ी क्षतिग्रस्त है तो पुनः इसकी DPR बना के हम राज्य योजना के अंतर्गत शासन को प्रेषित कर रहे हैं और एक सप्ताह में हम लोग इस DPR को प्रेषित कर देंगे और आवश्यक जो मरम्मत कार्य हैं, नाली का निर्माण इत्यादि, वो हम तुरंत शुरू कर रहे हैं और इस महीने में हम पूर्ण कर देंगे जो आवश्यक कार्य हैं।